अब फाइनली हमारे साथ नजरा के इमाम व खतीब जनाब हाफिज मोहम्मद अली साहब हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। और अभी मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे आग लगी थी, आपने देखा होगा रजगट्टा में, वहीं पे ये मौजूद है और एस्बेस्टस वगैरह और मकान की तामीर करवाने में मदद कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू देना भी जो है एक मसला है, चूंकि हम लोग जरा बचने की कोशिश करते हैं। ये मुझे आग की, यहाँ जो आग लगी है इसकी खबर अब्दुल खालिक साहब सहसपुर के जरिए लगी रात में। मैंने कहा भी कि भाई परसोनी की तो खबर है लेकिन वहाँ की नहीं, तुमने बताया कि नहीं, बहुत ही मतलब मुस्तहिक लोग हैं और आप लोग को आना चाहिए। तो कल ही होकर के हमने वजुल भाई से रابطہ कायम किया और हम तीनों आदमी जो है अब्दुल खालिक नदवी साहब हम लोग यहाँ आए और हम लोगों ने जैसे कि बात आई कि ये महसूस किया हम। एक दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं कि ज़रा सा एक मिनट, हम दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं कि अगर खुद बर्री पंचायत के लोग इस बात के लिए कोशा होते, क्योंकि हम देख रहे हैं जब आ रहे हैं रास्ते से यहाँ, देखिए इसको इंसानियत के मसले से लीजिए, किसी मजहब किसी जात से नहीं जोड़िए, सब हिंदुस्तानी हैं और सब हिंदुस्तानी शहरी है। और जब इस नाते हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को जब ज़रूरत पड़े तो हम उनकी मदद करें। तो हम आए तो थे देखने के लिए, लेकिन अगर हमें ये महसूस होता कि खुद बर्री पंचायत में, उसमें से ब्रजघट्टा नहीं कह रहा, बर्री पंचायत में बड़े खुशहाल लोग हैं, मुसलमान भी और हमारे गैर मुस्लिम भी, अगर वो खुद अपने भाइयों का दुख दर्द बांट लेते तो ज़रूरत नहीं थी कि हम वहाँ से नजरा से आते, आप सोहरौल से आते या आप और किसी बस्ती से जो आ रहे हैं। तो ये महसूस हुआ कि पता नहीं लोगों ने इसको भी जो है कुछ मतलब ये कर लिया है कि लोगों में वो जज्बा नहीं है कि हम लोगों की मदद करें, अपने भाई की मदद करें, अपने पड़ोसी की मदद करें, तो उसको विल करना होगा ना, अबेट करना होगा कि वो लोगों की मदद करें। कैसे? बिल्कुल, हम लोग इस बात की पूरी कोशिश करते हैं, समाज में जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं कि पड़ोसी का जो हक होता है उसको हम समझने की कोशिश करें, और वो पड़ोसी कैसा भी हो, अपने मजहब का हो या दूसरे मजहब का हो, अपनी जात का हो या दूसरी जात का हो, अगर वो ज़रूरत है इंसानी बुनियादी ज़रूरियात का मुस्तहिक है तो एक इंसान होने के नाते इंसानियत का तकाजा है कि हम उनको पहुँचाएं, उनको मदद पहुँचाएं। इस सिलसिले में तो जागरूकता लाने की न सिर्फ यहाँ हमारे इलाके में, पूरे हिंदुस्तान में इसकी ज़रूरत है। जो गाय गाय हम लोग देखते रहते हैं, एक समुदाय के लोग अगर मुतासर होते हैं तो दूसरे समुदाय के लोग उतनी मोहब्बत के साथ आगे बढ़ के उनकी तामीर के लिए, उनकी आबादी के लिए कोशिश नहीं करते हैं। जो ज़रूरी है, जो हम लोग कहते हैं ना कि हिंदू हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा, ये हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए, आपको भी हमें भी सारे अहले वतन को भी। जहाँ हमारे साथ कोई आपदा आए, कोई प्राकृतिक समस्या आए, हम सब आगे बढ़ के अपने भाइयों के दुख दर्द को बांटे ताकि दूर दराज के लोग ना आए, हम अपने आपस से बांट सकते इसको। तो फाइनली अभी जो घर का तामीर हो रहा है, री बनाया फिर से बनाया जा रहा है इस घर को, आप फिर से वही हाल में लाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों के साइड से, आवाम के साइड से, क्या कहेंगे? पर उसमें जब ये महसूस हुआ तो हम लोगों ने भाई ये कहा कि भाई हम लोग जो है पहले इनको साया फराहम करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने गांव गया, मैंने वहां गांव में जामे मस्जिद में इसका ऐलान भी किया और भी जो होता है बहुत सारे लोगों से बात हुई मेरी, उन लोगों ने कहा नहीं इंशाल्लाह हम लोग सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ मुआविज शाहिद हैं, सारे नौजवान थे, सैफुल्ला सैफी थे और एक पूरी एक टीम थी, जुल्करनैन थे, ये नौजवान थे, मतलब मैं कुछ नौजवानों का नाम ले पाया हूँ आपसे, और बाकी बड़े लोग बहुत सारे थे कि इन लोगों ने कहा कि नहीं आप ये करें, हम लोग का भी जो तआवुन होगा आपको वो मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वो कदम उठाया और इन बच्चों ने भरपूर तआवुन दिया, बहुत सारे लोग हैं जिनका तआवुन अभी आना भी है, इंशाल्लाह हम लोग इसको पाए तक मिल तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। कुछ अपील करेंगे लोगों से कि इसको और ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके? एक तो हम ये अपील करेंगे कि खुद ये लोग मेहनत करें, खुद जो ये लोग हैं खुद मेहनत करें, अपने बल पे खुद खड़े होने की कोशिश करें। इनको अगर मदद की जरूरत लगे तो इनके गांव वाले कर रहे हैं, रजघट्टा वाले कर रहे हैं मदद, ये मैं जान रहा हूँ। मैं बर्री पंचायत की बात कर रहा हूँ कि बर्री पंचायत के लोगों को भी चाहिए कि उसी पंचायत का एक अंग एक अटूट हिस्सा है वो खुद इसकी मदद करे। अगर हम लोग से भी अपील की गई, हमसे अगर कहा गया कि आप लोग मस्जिद को जरूरत है करें, तो इंशाल्लाह हम लोग वो भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आप फाइनली हमारे साथ यूथ सोशल एक्टिविस्ट मौविज साहिद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, वो भी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं हमारे साथ, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटना पे? 10 दिन के करीब पहले जो है मुझे ये इतला मिली कि 4 से 5 गांव हमारे साहब के जरिए इतला मिली है शक की नमाज के बाद कि जल गया,
तो किसी का भी घर जलना, तो इससे सबसे पहले तो एहसास यही होता है कि औरतें और बच्चों का क्या होता है। किसी के मर्द तो कहीं भी जाके सो सकता है, मैं खुद एक लड़का हूँ तो मैं आपके घर में भी जाके सो सकता हूँ। तो ये एहसास हुआ, तो उन्होंने कहा कि कुछ पैसा हम कलेक्ट कर रहे हैं और इंसान की बुनियादी ज़रूरत तो उसका घर है, तो हम कम से कम और उतना बेहतरीन घर तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो तो है कि माली मदद कितनी आ रही, लेकिन ऐसा घर कम से कम हम दे दें जिससे कि वो रह सके उसके जो बेसिक जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, तो उस मकान में मतलब कि जिसमें वो अपने सर को जो ढाप सके, मतलब इतनी कम से कम जरूरियात को हम पूरी कर सके। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने कलेक्शन करने की कोशिश की और बहुत से लोगों की तरफ से कलेक्शन आया भी, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं अभी आज यहाँ आया तो बहुत से काम हो रहे हैं, यही गुजारिश है कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए तो कम से कम उनको घर मिल सके, और अगर कलेक्शन ज़्यादा हो तो फिर उसके अलावा जो जो भी उनकी ज़रूरियात है, जैसे कि मुझे इतना मिली तो पूरी की पूरी तरह से जो है उनकी चीज़ें जल चुकी हैं। लोकेशन की है, हाँ, तो देख पा रहे हैं कि इनके अंदर जो चौकी वगैरह या फिर रहने सहने के तमाम चीज़ें हैं वो जल चुकी हैं, लेकिन पहली बुनियादी ज़रूरत जो है वो घर है, तो हम लोग का मेन फोकस घर की तरफ था। अच्छा, आप लास्ट में, आप युवा हैं और समझ बूझ वाले हैं, आपकी अच्छी एजुकेशन भी है, अब मुझे ये बताएं कि किस तरह से अपने समाज का या अपने बिहार का, अपने मधुबनी का या अपने इलाका का लोगों का मदद कर सके, या किस तरह की संस्था बनाने की हम लोगों को जरूरत है, खास करके युवा कैसे कोऑपरेट करें या सपोर्ट करें। मेरे ख्याल में तो हर गांव में ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लोग की एक कमेटी हो जिसमें ईमानदार लोग हों, मतलब ऐसा नहीं हो क्योंकि पैसा के लेन देन में कोई गड़बड़ी हो, उनकी एक कमेटी और कुछ पैसे जो है वहाँ पर हमेशा जमा रहे, कभी भी गाँव में अगर इस टाइप की आपदा है वो एक से दो दिन में उसकी मदद कर सके। ये ना हो कि हमें पहले अपील करना पड़े कि आप पैसा जमा करें, बल्कि हमेशा उस फंड में 1-2 लाख रुपया होने चाहिए। और ये सिर्फ घर के ताल्लुक से नहीं, अगर कोई गरीब बच्चा पढ़ाई भी करना चाह रहा है तो उसके ताल्लुक से भी है, उसकी ये मदद कर सके अगर वो सही में तालीम के लोग सीरियस है। शुक्रिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो घर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वाला मकान जो है वो लगभग बन ही चुका है, ऊपर से एस्बेस्टस वगैरह रख दिया गया, और एक मकान जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ इस वक्त वो भी बन के लगभग तैयार है कुछ हद तक, और ये तीसरा मकान जो कि अभी बनना बाकी है, और इधर देख सकते हैं सामने वाले हिस्से में कि किस तरह से जो है जल कर झुलस गया है, पूरे बुक वगैरह खिपरा वगैरह सब जो तमाम चीज़ें जो है जल कर नुकसान हुआ, तो बड़ा नुकसान हुआ, और इसी वजह से जो इलाके सतह पर लोग हैं वो यहाँ पर आए और पुरसा के लिए, और जिस तरह से उनसे बन पाया उस तरह से मदद करने की पूरी कोशिश की। तो आप देख रहे थे केपुरु न्यूज़। सबसे पहले इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।